हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पफ। आज मैं आपके सामने हाफ के जी स्ट्रॉबेरी केक लेके आई हूँ। तो इसमें आप देखने वाले हैं नॉन एसी में जब हम काम करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या परेशानियाँ होती है। और यहाँ सबसे पहले मैंने अपने स्पॉन्ज को बेक कर लिया है और इसमें ढेर सारा बटर, कर्ड और मिल्क डाला है, तो इसकी वजह से आपको ये काफ़ी मॉइस्ट नज़र आ रही है। आप अगर चाहें तो इसे ऐसे भी बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पंजी एंड मॉइस्ट केक तैयार हुई है। तो इसमें मैं फिर भी थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग कर लूँगी और इसे सबसे पहले 3 लेयर में हमें कट कर लेना है। मैं आपको शो करने वाली हूँ कि हमारी केक कितनी जालीदार और मॉइस्ट बनी है। तो यहाँ सबसे पहले टर्न टेबल पर मैं थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये रीच कंपनी की सनविप क्रीम है और ये सबसे हाई क्वालिटी होती है इसकी। तो यहाँ इसके बाद मैं प्लेन वाटर से सोक कर रही हूँ और सोक कर लेने के बाद मैं इसमें क्रीम से कवर कर लूँगी अपने स्पॉन्ज को। और यहाँ मैंने चारों तरफ समान रूप से क्रीम को फैला लिया है। इसके बाद मालाज कंपनी की इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे भी ऐड कर लेने के बाद स्प्रेड कर लेना है पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से। तो यहाँ इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चेरी का टुकड़ा। इसके बाद सेकेंड लेयर को सेट करने के बाद मैं सबसे पहले गैप को फिल कर ले रही हूँ। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जब भी हम केक का काम करते हैं तो जनरली लोग एसी में ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अगर गर्मी है या रेनी सीजन है तो हमारी क्रीम मेल्ट होने लगती है। पर ये ज़रूरी नहीं कि सबके घरों में एसी हो। और आप देखते होंगे मेरे वीडियो में अक्सर मैं किचन में ही बनाती हूँ और ज़्यादा संभावना क्रीम मेल्ट होने की तब रहती है जब हम खाना भी पका रहे होते हैं और साथ ही साथ केक को भी डिलीवर करना है, तो उस दौरान आपको जल्दबाजी में ये काम करना ही पड़ता है। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसी परेशानी होती है कि काम करते करते क्रीम मेल्ट हो जाती है और लास्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हो ही जाती है। तो कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है। अभी तक आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अच्छी क्रीम बीट हुई थी मेरी, तो बड़े अच्छे से ये काम हो रहा है अब तक। पर लगता है आज की गर्मी को देखते हुए कि मेरी क्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, तो मुझे इसे डिज़ाइन देने में थोड़ी परेशानी होगी। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी को डिलीवर नहीं करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी जेल को पाइपिंग बैग में करके राउंड राउंड कर लिया है। इसके बाद इसमें कुछ चॉकलेट जेल को भी मैं इसी आकार से तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद क्या करना है कि आप अगर चाहें घर में खाने वाले केक को, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा डेकोरेट करें, ऐसे भी हम बच्चों को दे सकते हैं, पर थोड़ा सा अगर उसमें हम डेकोरेशन कर दें तो अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ जाता है, बच्चे और अच्छे से खाते हैं। यहाँ मैंने फॉक की हेल्प से बाहर से सिर्फ अंदर की ओर ले जाना है फॉक को इस तरह से, और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो बेहद ही ईजी मेथड से आज मैंने केक को तैयार किया है। इसे आप भी घर बैठे बना सकते हैं। और इसके बाद हमें शिफ्ट कर लेना है केक बेस पर अपने केक को। तो यहाँ मैंने शिफ्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है। सिर्फ कॉम्बिंग की है मैंने और कुछ भी नहीं किया है, और ऊपर से जेल की टॉपिंग करके इसे फॉक से डेकोरेट कर लिया है। तो है ना आसान। तो इस तरह से आप इस केक को अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगी, एक पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है, पर मेरा क्रीम थोड़ा मेल्ट होने लगा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, आज बारिश भी होने वाली है। और इसे फ्रील नोज़ल ले लिया है मैंने, तो यहाँ मैं किनारों में फ्रील नोज़ल से डिज़ाइन कर रही हूँ और ये मेरा तैयार हो गया है। बाकी बची हुई क्रीम से मैं ऊपर में भी दे देती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है देना। अब देख सकते हैं मेरा क्रीम थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। तो इस काम को करते समय आप थोड़ा फ़ैन ऑन कर लें या किचन से बाहर आप इस काम को करें तो ये परेशानी आपके साथ नहीं होगी जो मेरे साथ हुई। तो कैसी लगी आज क्या